दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज भारत के कई जगह पे राखी का पर्व है। इस बार 2 दिन हो गया, देख रहे हैं कई जगह आज मनाया जा रहा है, कई जगह कल मनाया जा रहा है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ज़िंदगी तो आपसे छुपी हुई नहीं है, जैसी चल रही है एक लंबे अरसे से, 18 जुलाई से। अभी भी मैं हॉस्पिटल में कैंप किया हुआ हूँ। हाँ, फ़र्क सिर्फ इस बार के हॉस्पिटलाइजेशन में सिर्फ इतना ही है, इस बार हम लोगों को रूम मिला हुआ है। पिताजी यहाँ बगल में बैठे हुए हैं और हम लोग रूम में हैं। बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी हर बार जब माँ भी एडमिट हुई और 2 बार पिताजी भी एडमिट हुए और ये 3रा बार पिताजी एडमिट हुए, यानी 5 बार हॉस्पिटल में माता पिता का एडमिट होने का सिलसिला रहा है। और ये 18 जुलाई कोई बहुत पहले की बात नहीं है, 18 जुलाई और आज है 11 अगस्त। इन चंद दिनों में 5 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, 4 बार दोनों व्यक्ति आईसीयू में थे, और आईसीयू में जानते हैं अगर पेशेंट रहता है तो बहुत बुरा हाल होता है अटेंडेंट का, मतलब एक रहने के लिए लेटने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है। ये तो कहिए कि मेरी गाड़ी थी, मैं गाड़ी में ही सोया रहता था। इस बार कल पापा जब एडमिट हुए थे तो इस समय का कॉम्प्लिकेशन ये था, बीपी चला गया था, 246 तक टच किया था। रिस्क लेना मैं इसलिए उचित नहीं समझा, घर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था घटना को घटे हुए, तो मैंने अविलंब पेशेंट का नहीं सुना और बिल्कुल वही किया जो करना चाहिए था। हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में एडमिट हुए और जब स्टेबलाइज कर गए तो कल उनको रूम अलॉट हो गया। 2-3 दिन रूम में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो घर की तरफ प्रस्थान होगा, यही स्थिति है। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं, सर लाइव नहीं हो रहा है, जूम नहीं हो रहा है, तो क्या कहें, लाइव जूम कैसे होगा? मैं हॉस्पिटल में, 18 जुलाई से मेरा ज़िंदगी हॉस्पिटल में बीत रहा है, तो लाइव जूम कैसे होगा? काफ़ी लोग जो मैं अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ उसको देखते नहीं हैं, उसके बावजूद पूछते हैं। देखिए, एक चीज से मतलब सबक लेना चाहिए, पेशेंट का सुनने से पेशेंट का मौत होता है। माँ जिस समय हॉस्पिटल से फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज हुई थी, ठीक जब वो एम्बुलेंस में बैठी थी ना, उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई थी। मैं बोला कि चलिए वापस हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, तो एकदम जिद मचा दी थी, किसी भी सूरत में तुम हमको हॉस्पिटल में वापस नहीं डालोगे। बस मेरी गलती वहाँ ये कहिए कि थी कि मैंने माँ का सुन लिया, भावना में आ गया, बहुत रोने लगी, बोली कि अगर हॉस्पिटल में तुम डालोगे मैं सर पटक के जान दे दूँगी, जो होगा घर पे होगा। उनकी बात जो सुन लिया ना, उसका नतीजा इतना बड़ा घटना घट गया। नहीं तो मैं बार बार बोलता हूँ, काफ़ी एक्टिव लेडी थी, मतलब भले एज से वो 85 हो, लेकिन कहीं से भी आपको देख के नहीं लगता होगा, सिद्धक बाबू तो आए हैं मिले हैं, कहीं से 85 वाला झलक तो था ही नहीं। अगर वो बाल जब अपना कलर कर लेती थी, मेहंदी लगाती थी, उनका एज आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 60+ आप कहिएगा। बहुत एक्टिव, मतलब एक एक काम, अपना तो छोड़िए ना, पापा का एक एक काम, और बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ। क्या कहें, कहने को तो सही, पूछिए तो किताब लिखा जाएगा, लेकिन क्या कहा जाए, वक्त को यही मंजूर था। अब मात्र 25 जुलाई से ये 10-11 अगस्त के बीच में पापा 3रा बार एडमिट हुए हैं।
चलिए इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी गड़बड़ है। वो है एज फैक्टर भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैंने भी जिद कर रखी है कि कुछ भी हो, जहाँ तक हो सके, जितना तक हो सके, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जानते हैं ना, मैं गिव अप नहीं करता हूँ, मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। वक्त को क्या मंजूर है वो तो वक्त जाने, लेकिन जो अपने हाथ में है उससे आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए। चलिए देखिए, अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि लाइव जो मैं कर पाऊँगा। जो सच्चाई है मैं बता देता हूँ, एक आदमी जब बेड पे आ जाता है ना, तो समझिए कि उसका बहुत काम बढ़ जाता है। अभी लगभग पिताजी की स्थिति लगभग वही है, घर में इतना रहता है कि हम लोग बहुत जल्दी संभाल लेते हैं। इनका अपना व्हील चेयर है, उससे ले जाना, बाथरूम ले जाना, मतलब काफ़ी कुछ संभल जाता है मामला। टाइम टू टाइम मैं ऐसे ही आपके सामने मिलता रहूँगा, आप लोग ख्याल रखिए, और घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।